हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, एसएससी प्रैक्टिस सेट जीएस। तो देख लीजिए दोस्तों, आज चौथा पार्ट है। मैंने क्या किया था, टू पार्ट मैंने करा दिया था दोस्तों। आज उसी टू पार्ट के हम आगे कराने जा रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, इसमें टॉपिक वाइज है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वह है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत का। अब देखिए इसमें क्या है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांड के साथ। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या, क्योंकि व्याख्या से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, लोहे की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अक्षेत्र, अंतरज्जी, खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति की अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के वर्तमान का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था दोस्तों, लौह का था। किसका था, लौह का। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायित्व था। तो मगध के लिए बिंबसार था। कौन सा, बिंबसार। तो देखिए, बिंबसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने चंड प्रद्योत की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबसार ही उत्तरदायित्व है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिकंदर का महान शिक्षक कौन था दोस्तों, तो अरस्तु था। कौन था, अरस्तु। इसके बाद देखिए, सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में विजित किया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी दोस्तों, संस्कृत। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। इसके बाद देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, इतिहास का जनक। अगला देखिए, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई थी, तो इसका देखिए अभी आयोग ने इसको कुछ माना नहीं है, तो इसकी हम व्याख्या आप लोगों को बता दे रहे हैं। व्याख्या से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस करके उसे मित्रता कर ली। झेलम नदी के को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस कहा जाता था। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है दोस्तों, तो मूसा संहिता है, मूसा संहिता। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे यहूदियों की धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता और इनका पूजा स्थल सिनागॉग्स के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों और जैन अश्वेतों फारसियों का पवित्र ग्रंथ था। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कलानुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए, हर्यक वंश पहले है, हर्यक के बाद देखिए शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, अरे सॉरी, इसके बाद आएगा दोस्तों नंद वंश, फिर इसके बाद मौर्य वंश। तो इसमें क्या सही है, सी सही है। अब इसके बाद देखिए, क्रम लगाने के लिए देखिए, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, नंद वंश 345 से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, महाभाष से लिखा था पतंजलि ने। किसने, पतंजलि ने। तो देखिए, महाभाष के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो देखिए, पहले चरक था, फिर सुश्रुत था, फिर बाघवट था। तो सी सही है, चरक, सुश्रुत, बाघवट को चिकित्सीय त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तीनों चिकित्सक आयुर्वेदिक सिद्धांत थे। अगला देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी, संस्कृत थी दोस्तों। क्या थी, संस्कृत। इसके बाद देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए इसका, उत्तरी काल पालिसदार मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, व्याकरण ग्रंथी अष्टदायी के रचनाकार पाणिनि थे, ये भी सही है।
अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। अगला देखिए, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसके बाद देखिए, सुंदर हस्तलेखन का सुलेखन कहा जाता था। इसके बाद यहाँ सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के नगर मिथिला तीन विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। इसके बाद देखिए, अब आते हैं हम लोग मौर्य काल में दोस्तों। तो देखिए, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था दोस्तों? बिंदुसार बैठा था। कौन था? बिंदुसार कौन था? वो चंद्रगुप्त के पिता थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। इसके बाद देख लीजिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकुशिया और जेड्रोसिया और पेरिपेनिमिसस दाई के क्षेत्रों को दिया था। इसके बाद देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। कहाँ? तक्षशिला में। इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर यहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, तो कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में। और श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और यहीं से इसने काया क्लेश द्वारा शरीर को त्याग दिया। इसे जैन धर्म में सलेखना कहा गया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन में से कौन सा होगा दोस्तों? तो केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के अधीन पर आधारित था। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया दोस्तों? तो कलिंग युद्ध। किससे आया था? कलिंग युद्ध। तो देखिए, यहाँ क्या है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धामी घोष की नीति को अपनाया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देखिए, मौर्य राजा अशोक था। कौन था? मौर्य राजा अशोक। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में जो उसे देवान प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया, मास्की, गुर्जर, निट्टूर और उद्गोलम लेखकों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला देखिए दोस्तों, देवानप्री के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो अशोक है। कौन है? अशोक। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्जा किया? तो राग एडिक्ट 13। इसके बाद देखिए, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटी थी। इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और दुख पर पश्चात व्यक्त किया। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, किस शिला राज देश की अशोक ने कलिंग युद्ध की हताहत का उल्लेख किया और युद्ध की त्याग की घोषणा की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिला राज देश 13। अगला देखिए दोस्तों, 13वें शिलालेख की राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध की हताहत का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। इसी शिलालेख में दक्षिण सीमा पर स्थित राज चोल पांड, सत्युत्पुत, केरलपुत और ताम्रपाणी बताए गए। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। तो देखिए, मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने? मेगास्थनीज ने। इसके बाद देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज था दोस्तों। इसके बाद देखिए,
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त था। कौन था? उपगुप्त। अगला देखिए, सिंघली अनुश्रुतियों और दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोत नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यवादन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? दोस्तों तो तक्षशिला है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुप्त चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। इसके बाद देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष से हुआ था? 261 BC। अगला देखिए, यहाँ अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 के आठवें वर्ष अर्थात 261 में कलिंग पर आक्रमण किया और इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहीं पर दिखाई देता तो शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें राजाधीश। अब देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला था दोस्तों। क्या था? तक्षशिला। यहाँ देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्वभर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में कुछ ही दूरी पर पश्चिम से स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया और चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? कौटिल्य ने की थी। इसके बाद देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। मूलतः राजनीतिक शास्त्र के इस ग्रंथ में मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेख में किस लिपि में खुदे हुए थे दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि में थे। इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या देख लीजिए, अशोक के अभिलेखों में साहबगढ़ी एवं मनसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तक्षशिला और लगमान अभिलेख अरमाइक लिपि में और सरकुना अभिलेख अरमाइक और ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया है? तो 1837 में जेम प्रिंसेप। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, सर्वप्रथम 1837 में जेम प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 में टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो अशोक को कहा जाता था। इसके बाद देखिए, अशोक वंश मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। अशोक ने प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 236 वर्ष या 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक राम बिहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। इसमें अधिम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा दिया गया। इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन किया गया। इसी संगीति में स्थिवर संप्रदाय का बोलबाला था। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था दोस्तों? तो जिला प्रशासक था। इसके बाद देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन होता है। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा, इसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। अगला देखिए, यहाँ क्या है दोस्तों, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंग वंश। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदंत की हत्या करके पुष्य में शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। इसके बाद देख लीजिए वन लाइनर में, अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। इसके बाद देखिए, मौर्य गुप्त कुषाण तथा कर्ण वंश में प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश था। इसके बाद देखिए, हेन सान मेगास्थनीज इत्सिंग फायान से में से विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। सम्राट अशोक की पत्नी करुवाकी ने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था। इसके बाद देखिए, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों,
अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। राजतंत्र के बारे में कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में विवेचन उपलब्ध है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों का मौर्य काल तक बता दिया था। दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम आपका साथ नवंबर और दिसंबर में है, तो मैं एसएससी का जीएस आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा और इंग्लिश पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तत्काल प्रभाव मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों धन्यवाद।